दोस्तों, स्मैकडाउन के हालिया एपिसोड में हमने देखा कि रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया और उनके रिटर्न करने के साथ ही उनकी आगे की स्टोरी लाइन एले नाइट के साथ शुरू हो गई है। यहाँ पर हमने स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में देखा था कि रोमन रेंस ने अपना रिटर्न करते हुए एले नाइट पर ज़बरदस्त अटैक किया था और इसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में हमें WWE के PPV सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस और एले नाइट के बीच मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन रोमन रेंस ने अपने स्मैकडाउन में रिटर्न से पहले अपने फैंस को एक एंग्री मैसेज सेंड किया है। वो भी एक वीडियो मैसेज है जिसको उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दरअसल रोमन रेंस ने अपने स्मैकडाउन में रिटर्न से पहले मेक ए विश के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़े और इसी दौरान उनके एक फैन ने रिक्वेस्ट की थी कि टिकटॉक यूज़र थ्योरोफिल के लिए कुछ कहा जाए और उसने साथ में ये भी रिक्वेस्ट की थी कि उसे कुछ एंग्री मैसेज दिया जाए। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि है थ्योरोफिल, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हो और तुम कहते हो कि मैं WWE में नज़र नहीं आता, मैं अपनी जॉब सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, चाहे मैं वैकेशन पर रहूँ या फिर ट्रेनिंग पर, लेकिन आज मैं तुमसे स्मैकडाउन के एपिसोड में मिलूंगा। और यही था वह मैसेज जो रोमन रेंस ने अपने फैंस के लिए दिया था। हालांकि रोमन रेंस ने यह संदेश गुस्सा होकर नहीं बल्कि किसी फैन के रिक्वेस्ट पर दूसरे फैन के लिए कहा था। हालांकि इसके बाद ट्विटर पर यूजर्स के इस प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने इसके लिए रोमन रेंस को ट्रोल करना शुरू किया तो कई लोग इसे फैंस की विश पूरी करना मान रहे हैं रोमन रेंस के द्वारा। तो दोस्तों, आपकी क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।